अरे ये ना तो बड़े तो तोड़ दे, बड़ा आकार तो खा ले हम जानवर ना कूद और क्या, ये मैं तोड़ लेता भाई साहब। अब ये तो दुनिया समझती नहीं है यार। जंगल इतना बढ़िया जंगल है तो बर्बाद कर रहे हैं, देख ले प्रकृति की अस्तेजी कर रहे हैं। देखो यहाँ कोई जान बाप को पट्टो कर नहीं ला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ले जाने वाला हूं नई के नाथ। नई के नाथ बांस को जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास ये जगह पड़ती है। हेलो गाइस, तो आज हम भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए नई के नाथ आए हैं, भोले जी का आशीर्वाद लेकर के। तो दोस्तों नई के नाथ के दर्शन कराते हैं आपको, भोलेनाथ के। और नई के नाथ नाम क्यों पड़ा इनका ये मुझे भी नहीं पता, तो वहाँ चलकर देखते हैं कि नई नाथ जो नाम है ऐसा नया ही नाम लग रहा है कि क्यों पड़ा, तो इसको जानते हैं। और मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे भोलेनाथ का, जय भोले की। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आगे वीडियो में, और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं आपको रास्ते में जो जो चीज़ें मिलेगी वो सारी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों सुबह के 6:45 हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं हमारे घर से सीधे नई के नाथ। और सुबह सुबह का ऐसा नज़ारा है, सनराइज हुआ नहीं अभी, ये आ चुका है गोपालपुरा बाईपास। सुबह सुबह का सनराइज का नज़ारा, जो सनराइज अभी हुआ नहीं है, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। वैसे नई के नाथ जाने का रास्ता, नई के नाथ ये हो भैया, नई के नाथ जाने का रास्ता कितना आगे है? 3। क्या हो गया वैसा? अरे यार भाई साहब, नए प्लांटेशन बने थे। अच्छा, गवर्नमेंट 30 लाख रुपए लगाई थी। हाँ, कीमत भाई साहब नाड़ा में मतलब ढेरा टहनी। अच्छा, काट डाले थे। हाँ लगवाया था। हाँ, अरे ये तोड़ सीधा ले गए, ये तो गलत है यार। 20,000 पौधे इसके अंदर, गलत है यार। अंदर खाते इसको
पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। अरे ये ना तो बड़े तो तोड़ दे बड़ा कर तो खा ले हम बस जानवर ना खुद और क्या जी मैं तोड़ देता भाई साहब। अब ये तो दुनिया समझती नहीं है यार, जंगल इतना बढ़िया जंगल है तो बर्बाद कर रहे हैं नहीं, प्रकृति की अस्तेजी कर रहे हैं। देखो यहाँ कोई जान बाप को फटो था ना इधर यार कतरे कहाँ के कहाँ भी कर लो ना समझते नहीं दुनिया यार। को लग भाई साहब यहाँ मतलब कहाँ कर लो सही 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 बात है। तो ये थे प्रकृति प्रेमी और ये बाउंड्री हो रही है इस समय जंगल के चारों तरफ, और ये बाउंड्री को कुछ लोग आके बाउंड्री के उस तरफ से पेड़ पौधे काट रहे हैं अपनी दिनचर्या के लिए। जांगड़ी ब्राह्मण समाज धर्मशाला, और ये प्रजापति समाज धर्मशाला। धर्मशाला है तो सभी समाज की। राजबलाई धर्मशाला दोस्तों, नई के नाथ मंदिर हम पहुंच चुके हैं। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित बांसको गांव में नई नाथ धाम है। यहां के नई नाथ महादेव मंदिर के नामकरण की अनोखी कहानी है। भोले बाबा का मंदिर करीब 350 साल पुराना बताया गया है। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वह स्वयंभू प्रकट है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार सैकड़ों साल पहले बांसको में एक राजा थे, उनके तीन रानियां थी। विवाह के बाद भी इन तीनों के कोई संतान नहीं हुई। ऐसे में एक दिन एक रानी को सपने में शिवजी दिखाई दिए। इस पर तीनों रानियां पास ही जंगल में बने शिव मंदिर में गई तो शिव मंदिर में रह रहे बालवानाथ बाबा ने रानियों को शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने की सलाह दी। इसके बाद तीनों रानियों में से जो सबसे छोटी रानी थी उसने बाबा की बात को अमल किया। इसके बाद वह भोलानाथ की पूजा अर्चना करने लगी, और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद छोटी रानी के कुछ दिनों बाद ही एक संतान प्राप्ति हुई। रानी नई नवेली थी, यानी उसका विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था, इसलिए क्षेत्र में कहा जाने लगा कि नई पर नाथ यानी बलवानाथ की कृपा हुई है, और उसके बाद से ही यह स्थान नई के नाथ के नाम से प्रचलित हो गया। शिव करता दुख हरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, कर्णवाक्षर के मध्य, कर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। ऊपर जल धारा प्रभु की गंगा प्याला, जटा में गंग विराजे, जटा में गंग विराजे, ओरे मृगशाला, ओम जय शिव ओंकारा। तुम्हें माता पिता तुम्हें और तुम्हें वो दूसरा तुम्हें तुम्हें वो विद्या दर्शन तुम्हें वो तुम्हें वो जगह देवी देवी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर बताइए। अमर नाम को पिचन है। कितना पुराना मंदिर है ये? हजारों साल पुराना है। अच्छा। ये राजा महाराजा के टाइम का है। अच्छा। ये हमारे बांसको वाले ठाकुर साहब के टाइम का है। ये निकली हुई मूर्ति है। अच्छा। फदराई हुई मूर्ति नहीं है। अच्छा। स्वयं है मतलब। हाँ, स्वयं है ये छोटा। पहले तो अब तो यहाँ लक्कू पब्लिक आती है, पहले कोई नहीं आते थे। शिवरात्रि को यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ कम बहुत तेज। अच्छा। 3-4 हजार कम से कम 2-2.5-3 लाख आदमी आते थे। अच्छा।
हाँ, रामनिवास बाग ग्वाले झांकी करते हैं हर साल। अच्छा, दो साल जैसे साल भर में दो झांकी करते हैं वो आपके खुद की तरफ से। अच्छा, लक्कू मेला भरता है जैसे मैंने 14 भरती है अमावस्याली 14 आती है इसमें बहुत। हाँ, प्रदोष वाली लक्कू पब्लिक आती है जैसे सोमवार को भी बहुत भीड़ होती है यहाँ जबरदस्त। सोमवार को हाँ, ये सभी समाज के धर्मशाला है यहाँ, कोई किसी पर्सनल नहीं रहते हैं। अच्छा, धर्मशाला सभी है, मैंने देखी थी वहाँ पे। हाँ, सभी समाज होंगे, तो रुकने की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कभी भी आराम से रुको। हाँ, खूब रुको, कोई पानी की सबकी व्यवस्था है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से दर्शन करो। जैसे दुर्गा मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, जय मेन भगवान का, देव महाराज का। कैसे हिस्ट्री कुछ बताइए ना, कुछ कहानी या कुछ ऐसे होगी इसमें? नई का नाथ नाम कैसे पड़ा? ये क्या है, जैसे इसका नई का नाथ नाम जैसे पड़ा, हम सुनते हैं भाई, बुजुर्गों ने कहते हैं भाई, ठाकुर साहब की नई रानी आई थी तो वो सेवा पूजा करके खाना खाती थी बताई। अच्छा, था अब वो जैसे खाना खाती थी तो उसके जैसे शिव जी का मंदिर नहीं था तो उनको सपने आए थे रात को। अच्छा, तो ये मूर्ति फिर जैसे जंगल था, जंगल में फिर वो ने आके देखे तो ये फिर खुद आई जैसे जंगल थोड़ के पेड़ों में, फिर निकालने की कोशिश की थी फिर निकला नहीं, फिर यहीं स्थापना करवा दी इन्होंने ठाकुर साहब ने। ये फिर नई का नाथ, फिर जब से नई रानी का नाम से नई नाथ, नई रानी, हाँ, जब से फिर नई नाथ नाम पड़ गया इसका। पहले बताते हैं लोग, गांव बताता है, नहीं आज भी पुराना निकलता है ना मकान, पुराना निकलता है यहाँ। हाँ, जैसे कोट भी है पुराना, पर अब ये कौन उजड़ हो गया जब ढह गए पुराने हो गए तो आज भी है ऐसे पुराना कोट है यहाँ पहाड़ में। हाँ, पुराना राजा महाराजा का, महाराजा पर कि टाइम का है अभी, फिर पता क्या आगे, फिर ईश्वर की जब मर्जी पता नहीं, पर आज भी जो खंडर है पुराना, इतनी इतनी बुर्जा है इस डूंगर के अंदर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बताने के लिए, बिल्कुल धन्यवाद। ठीक, तो ऐसा कुछ मंदिर का नज़ारा है दोस्तों, बोले भाई साहब ये क्या घोट रहे हो? अच्छा, भांग प्रसादी के लिए घोट रहे हो ये? चढ़ाने के लिए। अच्छा, चढ़ाने के लिए दूध भी मिला। अच्छा, दूध मिला।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मैं आपके लिए राजस्थान यात्रा कर रहा हूँ इस समय, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा नए नए। और आप जो अपने क्षेत्र के आसपास की जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको आगे ऐसे ही नज़ारे और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।